हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को बताऊंगा जिसको आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कासिम सुलेमानी का जन्म 11 मार्च 1957 को कनत ए मलक में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन सुलेमानी और माता का नाम फातिमा सुलेमानी था। इनके पिता जो पेशे से एक किसान थे। कासिम सुलेमानी के भाई सोहराब सुलेमानी तेहरान जेल के ऑर्गेनाइजेशन के एक वार्ड और पूर्व महानिदेशक थे। दोस्तों, कासिम सुलेमानी अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए करमन शहर चले गए और वहीं पर काम करने लगे। 1975 में कासिम सुलेमानी करमन के जल बोर्ड के एक ठेकेदार के रूप में काम करना शुरू किया। दोस्तों, कासिम सुलेमानी को बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत शौक था। उन्हें जब भी टाइम मिलता वे अपने पास के जिम में जाकर बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। गरीब परिवार से आने वाले कासिम सुलेमानी 1979 ईस्वी में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड में शामिल हुए। दोस्तों, इस गार्ड का गठन देश की सुरक्षा और अपने विचारधारा को लागू करने के लिए किया गया था। कासिम सुलेमानी ने अपने सैन्य करियर की शुरुआत 1980 ईस्वी में ईरान इराक युद्ध के दौरान की, जिसमें उन्होंने लास्ट 41 डिवीजन की भी कमान संभाली थी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रभाव को बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इसके चलते अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल जैसे देशों को ईरान से मुकाबला करने में काफी दिक्कत आने लगी। 20 सालों के दौरान इसराइल, सऊदी अरब और अन्य देशों के खुफिया एजेंसियां इन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ गई, लेकिन उन्हें मारने में सारी एजेंसियां असमर्थ रहीं। कासिम सुलेमानी ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का मुकाबला करने के लिए उन्होंने कुर्द लड़ाकों और शिया मिलिशिया को एकजुट किया और एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को तैयार किया और आईएसआईएस का मुकाबला किया। और दोस्तों, उनकी यही नेचर की वजह से उनकी पहचान ईरान और पड़ोसी देशों में किसी हीरो या सेलिब्रिटीज की तरह होती थी। और अंत में दोस्तों, 3 जनवरी 2020 को इराक की राजधानी बगदाद एयरपोर्ट के बाहर अमेरिका द्वारा एक ड्रोन हमले में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, यह थी कासिम सुलेमानी के जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे।